जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग बताए दोस्तों, SSC CGL का एग्जाम चालू हो चुका है और जितने भी कैंडिडेट्स कानपुर एग्जाम देने आ रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कानपुर आ रहे हैं एग्जाम देने। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जिनका सेंटर यहाँ पर महाराजपुर थाने के पास हाथीपुर जोन में है, हाथीपुर जिसका सेंटर दिया गया होगा आयोन डिजिटल करके, R&D जन कल्याण सेवा समिति करके एड्रेस होगा वहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूटा है, काफ़ी कैंडिडेट्स रास्ता भटक चुके थे और उनका एग्जाम छूट गया है। तो उन्हीं के लिए स्पेशली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो भी एग्जाम देने आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग उसी सेंटर के पास खड़े हैं जहाँ पर आपका एग्जाम है। अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देख कर आएँ, ताकि जिससे आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं रोड टूर की बात करता हूँ। अगर आप सीधे सबसे पहले आपको रामा देवी चौराहे पहुँचना है, रामा देवी चौराहे आप कहीं पे भी हो, रामा देवी चौराहे आपको आना जरूरी है। अगर आप फतेहपुर साइड से आ रहे हैं, इलाहाबाद साइड से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हाथीपुर उतरना है। हाथीपुर में महाराजपुर थाना, सिर्फ आपको महाराजपुर थाने के पास से ही आयोन डिजिटल जो हाथीपुर जन कल्याण R&D जन कल्याण सेवा समिति जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर आपको उतरना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको दो गेट मिलेंगे। सबसे पहले रामा देवी वाले टूर की बात करते हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स नौबस्ता साइड से आ रहे हैं या फिर जो भी कैंडिडेट्स इधर दिल्ली वगैरह, राजस्थान, कोटा वगैरह कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको ट्रेन से सीधे आपको कानपुर सेंट्रल उतरना है। कानपुर सेंट्रल उतरने के बाद आपको सीधे वहाँ से ऑटो लेना है, 15 रुपये लेगा ऑटो वाला और आपको सीधे रामादेव चौराहे पर छोड़ेगा। रामादेव चौराहे से आने के बाद आपको वहाँ से सीधे ऑटो वगैरह लगे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ उनसे इतना बोलना है कि हमें आयोन डिजिटल जाना है हाथीपुर, और ऑटो वाले आपको यहाँ पर समय से पहुँचा देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दो गेट हैं जिनकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो एक गेट आपको रोड साइड मिल जाएगा जस्ट, ठीक है, और दूसरा रोड जहाँ पर जो हाथी आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा, जैसे आप वहाँ पर आएंगे तो आप ऑटो वाले से बताइएगा सेकेंड नंबर जो गेट है वहाँ पर हमें आना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम सीधे यहाँ पर खड़े हुए हैं सीधे, और ये देखिए ये वाला जो गेट है आपको इसी गेट से जाना है। यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा दीजिए जिससे जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं, और यहाँ पर द्वारका नगरी करके एक ऐसा बोर्ड आपको लगा मिलेगा, उसी रास्ते से आपको अंदर जाना है और वहीं पर इसका आयोन डिजिटल का सेकेंड वाला जो गेट है वहाँ पर है, तो इसी साइड से आपको करके आना है। और जैसे ही कैंडिडेट्स आप यहाँ पर आ जाएंगे महाराजपुर थाना, आपको मतलब भटकना नहीं है, आपको सीधे ये गेट देखना है द्वारका नगरी, वहाँ पर लिखा हुआ है, उसी गेट से आपको अंदर एंट्री कर लेनी है। और किराए की बात करें तो रामा देवी से जो किराया लगेगा आपका यहाँ हाथीपुर का, वो 20 रुपये, 15 से 20 रुपये लगने वाला है। तो अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं दोस्तों, तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए, गलत रास्ते मत जाइए, जिससे कि जो कैंडिडेट्स हैं रास्ता भटक है। पिछली शिफ्ट में कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट्स का एग्जाम छूट गया है, जिसकी वजह से स्पेशली वीडियो कानपुर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं एग्जाम देने कहाँ पर, हाथीपुर आयोन डिजिटल R&D जन कल्याण सेवा समिति, उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में अगर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वे टू राइड हम गाइड करेंगे, आप एग्जाम सेंटर पहुँचिए, जितना सपोर्ट हो सकता है हम लोग आपके साथ हैं। तब तक ले जय हिंद, और चैनल को ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि ये वीडियो हेल्पफुल वीडियो आपके जितने भी साथी हैं उन तक पहुँच जाए। तब तक के लिए मिलेंगे अभी सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, तब तक ले जय हिंद जय भारत।